मैं ईश्वर ऐसे शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्य राय बच्चन पर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिसके बाद हर तरफ बवाल मचा है। एक इवेंट के दौरान अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्य राय का ना सिर्फ जिक्र किया बल्कि उनके बारे में भद्दी भद्दी बातें भी की और ये वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई अब क्रिकेटर की काफी आलोचना कर रहा है। दरअसल अब्दुल रजाक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप 2023 में खराब प्रदर्शन की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने टीम को क्रिटिसाइज करते हुए ऐश्वर्य राय बच्चन पर भद्दा कमेंट किया। इस दौरान स्टेज पर मौजूद शाहिद अफरीदी और उमर गुल ताली बजाते नजर आए। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हुआ और लोग काफी भड़क गए जिसके बाद अब्दुल रजाक को सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, ऐसे में आलोचना लाजमी है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने अपने तरीके से टीम को लताड़ रहे हैं, ऐसे ही क्रिकेटर हैं अब्दुल रजाक, लेकिन आलोचना के लिए जो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, जो बातें उन्होंने इस्तेमाल की, उसको लेकर उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी टीम को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने ऐश्वर्य राय पर भद्दा कमेंट किया। इस दौरान मौजूद स्टेज पर शाहिद अफरीदी ताली बजाते नजर आए। पहले रजाक का किया गया कमेंट जान लेते हैं जो उन्होंने ऐश्वर्या पर किया है जिसकी वजह से हर तरफ बवाल मचा है। वो पाकिस्तानी टीम की आलोचना के लिए एक एनोलॉजी देते हुए कहते हैं, अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से एक बड़ा नेक और परहेजगार बच्चा पैदा हो तो ये कभी नहीं हो सकता। अब्दुल रजाक जब ये बात बोल रहे थे तो दो एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यानी कि शाहिद अफरीदी और उमर गुल बैठ कर ताली बजा रहे थे। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अब्दुल रजाक जो बातें बोल रहे हैं वो वाकई कितना ज्यादा खराब है। अब्दुल रजाक 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से जुड़े किसी इवेंट में बात कर रहे थे। वहाँ पाकिस्तान के एक्स कप्तान यूनुस खान की अच्छी नीयत को सराह रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान, इसकी नीयत बड़ी अच्छी है। इस चीज से मैंने कॉन्फिडेंस लिया, इसकी नीयत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, इसलिए मुझ में हिम्मत भी आई और अल्लाह का शुक्र है मैंने डिलीवर किया वहाँ पर। यहाँ बड़ी बातें चल रही है पाकिस्तानी टीम की और प्लेयर्स की, तो बात ये है कि हमारी नीयत है ही नहीं किसी चीज को पॉलिश किया जाए, प्लेयर्स को डेवलप किया जाए। लेकिन इसी के साथ रजाक ऐश्वर्या राय वाली एनोलॉजी देते नजर आए और इसके साथ ही उनका जो बयान है वो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिस पर इस टाइम पर पूरा बवाल मचा है। हालांकि अब्दुल रजाक के लिए ये पहला मामला नहीं है जब उनका कॉमेंट इस तरीके से वायरल हुआ हो। इससे पहले भी वो कई बार कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या को लेकर जो भद्दी बातें की हैं, हर तरफ उनको लेकर बवाल मचा है। लोग उनके बारे में काफी ज्यादा गंदी बातें भी कर रहे हैं, उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। खैर, रजाक के इन कमेंट्स पर आपका क्या सोचना है और ऐश्वर्या राय पर जो उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।